जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो के साथ। दोस्तों एसएससी जीडी का कॉन्स्ट लेवल का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आज इसके वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट क्यों इतना लेट हो रहा है और अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जाता हूँ आखिर में आपका एसएससी जीडी का कॉन्स्ट लेवल का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। काफी बच्चे वेट कर रहे हैं, काफी बच्चों ने अपना एग्जाम देखे रखा है, काफी बच्चे अभी फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे, पर अभी तक उनका एसएससी जेडी का कॉन्स्ट लेवल का 2024 का रिजल्ट नहीं आ रहा है। काफी बच्चे वेट कर रहे हैं, काफी समय हो चुका है एग्जाम पास एग्जाम हुए हुए, पर अभी तक एसएससी जेडी का रिजल्ट नहीं आया है। तो इसके पीछे क्या वजह है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। देखो अगर आप आर्मी अपडेट चैनल पर नए आए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पे आपको हर एक नई जानकारी दी जाती है एसएससी जेडी को लेके, चाहे अग्निवीर को लेके, चाहे कोई भी फोर्स को लेके। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। आपका एसएससी जेडी का कॉन्स्ट लेवल का 2024 का रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है और अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया और रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है आपकी वैकेंसी को लेके। जो आपका जब आपका एग्जाम हुआ था उस टाइम जो आपकी वैकेंसी थी 26,000 टोटली वैकेंसी थी, ठीक है, लड़कियों और लड़कों को मिला के आपकी 26,000 टोटल वैकेंसी बन रही थी एसएससी जेडी की। अभी उसका एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मैं आपको फोटो भी यहाँ पे शो कर देता हूँ स्क्रीन पे, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ये 2024 का नोटिफिकेशन है। आपका नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आपकी एसएससी जेडी की जो नई वैकेंसी थी उस टाइम आपकी जब आपने एग्जाम दिया था वो आपकी 26,000 वैकेंसी थी, पर अभी आपकी नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2024 का, आपकी वैकेंसी बढ़ा दी गई है। आपकी टोटल जो वैकेंसी अभी हो चुकी है 46,260 हो चुकी है, यानी कि आप अभी आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है एसएससी जेडी की। जिन बच्चों ने एग्जाम देके रखा है, जिन बच्चों के पहले सोच रहे थे कट ऑफ काफी हाई जा रही थी, पर अभी के टाइम पे आपकी कट ऑफ बहुत लो जाएगी। जिन बच्चों के कम मार्क्स भी है वो भी अभी बच्चे फिजिकल में भाग ले सकते हैं, उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है 46,000 आपकी वैकेंसी हो चुकी है, 46,200 आपकी टोटली वैकेंसी अभी बढ़ चुकी है, ठीक है। पहले जो आपकी वैकेंसी थी 26,000 थी, अभी 46,260 आपकी वैकेंसी हो चुकी है। तो अभी जो आपकी कट ऑफ बिल्कुल लो जाने वाली है, क्योंकि अभी वैकेंसी आपकी बढ़ के आ चुकी है, इसकी वजह से आपका एसएससी जेडी का रिजल्ट लेट हो रहा था। दोस्तों वैकेंसी को लेके रिजल्ट, अभी वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अभी आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट रेडी तैयार हो चुका है, बस रिजल्ट को रिलीज करने के लिए डेट वो एसएससी जेडी देख रही है कि कब रिजल्ट रिलीज किया जाए, ठीक है। तो वैकेंसी को लेके इस करके वैकेंसी आपकी बहुत कम थी, इस करके एसएससी जेडी का रिजल्ट लेट था, पर अभी उन्होंने नया नोटिफिकेशन वैकेंसी का निकाल चुका है, तो आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है और 26,000 से 46,000 हो चुकी है, क्योंकि 26,000 वैकेंसी बहुत कम थी। दोस्तों काफी बच्चों ने एग्जाम देके रखा था, 26,000 वैकेंसी बहुत कम थी, इसलिए एसएससी जेडी ने वैकेंसी भी और ज्यादा बढ़ाई है और आपका एसएससी जेडी का रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। आप अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, अगर आपने अभी तक तैयारी जारी नहीं रखी है तो आप अभी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि रिजल्ट अभी आपको इसी हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। जैसे एसएससी जेडी का रिजल्ट आएगा आर्मी अपडेट चैनल आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बता देगा, ठीक है। अभी रिजल्ट आपका इसी की वजह से लेट था, वैकेंसी की वजह से लेट था, पर अभी नया नोटिफिकेशन आ चुका है वैकेंसी को लेकर, वैकेंसी आपकी बढ़ गई है एसएससी जेडी की। तो आप फिजिकल की तैयारी कर दो, रिजल्ट आपका अभी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जो बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना, जो एक बहुत बड़ी अपडेट थी एसएससी जेडी को रिजल्ट को लेके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद वंदे मातरम।